हेलो फ्रेंड्स, अगर आप न्यू मेंबर हैं तो आपका स्वागत है चैनल ब्यूटीफुल यू पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और उसके बाद में जो नोटिफिकेशन बेल आती है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन से अपडेट रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा जेल, एक ऐसा लोशन जिसको यूज करने के बाद इसके चौंका देने वाले रिजल्ट ने मुझे हैरान ही कर दिया। सच माने तो जब मैंने इसको यूज किया तो मैंने बाकी के सभी प्रोडक्ट्स यूज करने बंद कर दिए, क्योंकि कभी कभी हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए होता है जो हमारी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करे, एक गाइड की तरीके से हमारी स्किन पर वर्क करे, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखे, रिफ्रेश रखे। तो वो सारी खूबियां मुझे इस जेल में दिखी, क्योंकि अगर हम इंडिया की गर्मी की बात करते हैं तो इंडिया की गर्मी से हमारी स्किन इतनी ज्यादा टैन हो जाती है, बाहर धूप में निकलने से, पोल्यूशन से फेस का, हाथों और पैरों का रंग इतना डल हो जाता है कि हम होम रेमेडीज को यूज करते करते थक जाते हैं और एक दो महीने में भी हमें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा जेल शेयर करने जा रही हूँ जिसे सभी एज ग्रुप 15 से लेकर 50 तक में भी आप यूज कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे हमारी स्किन को लेकर वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास है अरोमा मैजिक एलोवेरा का सनस्क्रीन जेल। मैंने रिसेंटली इसको परचेज किया है अमेजोन से, क्योंकि अमेजोन पे बहुत ज़्यादा ऑफर चल रहे थे तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और इसको परचेज कर लिया। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसको परचेज कर लेना। अगर हम बात करते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट की तो ये है एलोवेरा जेल, जो सभी स्किन टाइप के लिए सुटेबल होता है। और एलोवेरा जेल की भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई है, उसका लिंक ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप ज़रूर चेक कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगी। अगर हम बात करते हैं इसके अदर इंग्रेडिएंट की तो फ्रेंड्स, इसके अंदर टाइटेनियम डाई ऑक्साइड, साथ में जिंक ऑक्साइड और सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, प्योरीफाइड वाटर, ऑर्गेनिक बी वैक्स, एलोवेरा और बहुत सारी ग्लिसरीन ऑयल एंड साथ में कैस्टर ऑयल, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाया गया है। एसेंशियल ऑयल ऐड किए गए हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं, एक गाइड की तरीके से वर्क करते हैं। और धूप की जो इतनी हार्मफुल किरणें होती हैं जिससे हमारी स्किन की तो बैंड ही बच जाती है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी की तो ये इतना ज़्यादा लाइट वेटेड है, इतना जेल फॉर्म में है कि इसको लगाने के बाद 2 मिनट में भी पता नहीं चलता कि ये कहाँ एब्जॉर्ब हो गया हमारी स्किन के अंदर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस हैंड पर मैंने इसको अप्लाई किया तो इसके अंदर कोई भी इस तरीके का वाइट कास्ट नहीं है कि बहुत सारे सनस्क्रीन इस तरीके के होते हैं जो हमारे फेस पर वाइट कास्ट दे देते हैं, ये इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट करता है। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको लगाने के बाद क्या डिफरेंस हमारे फेस पर, हैंड पर देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की तो ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसने मेरे हाथ में कितनी चमक ला दी है, हाइड्रेट ला दी है कि मानो मेरा हाथ पहले कितना बेजान था, कितना रूखा था और अब इस स्किन में इतनी चमक आ चुकी है कि ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लग रहा है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने अपने फेस पर कुछ ऊपर से लगा लिया, क्योंकि बहुत सारे सनस्क्रीन इस तरीके के होते हैं जो हमारे फेस को बहुत ही ज़्यादा वाइट कास्ट देते हैं। तो अगर आपको कोई भी इस तरीके का सनस्क्रीन नहीं परचेज करना जो बहुत ही ज़्यादा वाइट कास्ट हो, देन यू कैन गो विद द ब्लॉसम एलोवेरा का ये जो जेल है अरोमा मैजिक का, आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारी स्किन को लेकर और ये किस तरीके से हमारी स्किन पर वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। अगर आपकी स्किन ऑयली है या एक्ने प्रोन है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कौन सा सनस्क्रीन लें, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि एलोवेरा का है, हाइड्रेट भी करेगा, आपकी स्किन को रिफ्रेश भी रखेगा और ऑयल की कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा, ऑयल को भी कंट्रोल रखेगा। दूसरी चीज़, ट्रैवल फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है और लगाने के बाद एक कूलिंग इफेक्ट आपके फेस पर देता है। एंड रेगुलर यूज से अगर आप डेली अपने फेस पर इसकी वन स्पून में जितना अमाउंट आता है उतना अपने फेस और नेक एरिया पर लगाना है तो ये आपके साइन ऑफ एजिंग को, टैनिंग को डेफिनेटली रिमूव कर देगा और धीरे धीरे कम भी कर देगा, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा सन रेज से। और अगर हम बात करते हैं इसकी कुछ हानि या कॉन्स कह लीजिए जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, एक तो इसके अंदर का SPF इतना कम है, केवल 20 SPF दिया हुआ है जो हमें आफ्टर 2 आवर्स के बाद दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको आपको अपने साथ कैरी करना है अगर आप बाहर
आउटडोर में या कहीं पर काम कर रहे हैं, तो ये आपको अपने साथ अपने पॉकेट में रखना ही होगा और साथ में इसको एक दो घंटे बाद दोबारा से अप्लाई करना होगा। एंड मेन चीज़ जो आपको हर सनस्क्रीन लोशन को परचेज करते टाइम देखनी है कि वो पैराबिन और सल्फेट फ्री हो। सो फ्रेंड्स, होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में, साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप ऑयली स्किन या एक्ने प्रोन स्किन से रिलेटेड और क्या वीडियोज़ देखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।